एक और वीडियो हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं, कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं। एसोसिएट टीम्स के जो भी स्टैट्स होते हैं हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसोसिएट प्लेयर्स में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किन किन प्लेयर्स की है। जी हाँ, ओडीआई और टी20आई दोनों को मिलाकर जिन प्लेयर्स की सबसे ज्यादा एसोसिएट प्लेयर्स में सेंचुरी है, एक बात और याद रखिएगा, क्रिटेरिया यहाँ पे एक्टिव प्लेयर्स का है। बिल्कुल, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन प्लेयर्स को नहीं जोड़ा गया है, जो एक्टिव प्लेयर्स हैं जो अभी खेल रहे हैं उन्हीं प्लेयर्स का इसमें बात की गई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा सेंचुरीज किस प्लेयर की है एसोसिएट प्लेयर्स। बिल्कुल, शुरू करते हैं। यहाँ कैलिन मैकलियॉर्ड फ्रॉम स्कॉटलैंड, जी हाँ, 8 ओडीआई सेंचुरीज है, ओडीआई की सेंचुरीज है 8, जी हाँ 8 ही उनकी सेंचुरी है, 8 ओडीआई में आई है। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे टी20आई में उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं है। काइल वाइट सर दूसरे नंबर पे आते हैं और 4 शतक के साथ, 4 ओडीआई में है और टी20आई में बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पे मैथ्यू क्रॉस, जी हाँ मैथ्यू क्रॉस है, 2 ओडीआई सेंचुरीज है, स्कॉटलैंड से ही है ये भी, और इनकी कोई भी टी20आई सेंचुरी नहीं है। इसके बाद बात करें आकी विलियर्स फ्रॉम ओमान, जी हाँ ओमान से है, 2 ओडीआई सेंचुरीज है, टी20आई में अभी भी खाता नहीं खुला है। बिल्कुल। और यहाँ बात करें अगर फिर से स्कॉटलैंड टीम की तो यहाँ रिची वेलिंगटन, जी हाँ 1 ओडीआई और 1 टी20आई सेंचुरी यहाँ पे इन्होंने मारी है, जी दोनों में है, ओडीआई टी20आई दोनों में इन्होंने अपने शतक जड़ दिए हैं। जी हाँ बिल्कुल। और अब बात करें यहाँ से पारस खड़का, जी हाँ नेपाल से है, इन्होंने भी 2 सेंचुरीज मारी है, जी हाँ 1 ओडीआई में और 1 टी20आई में, जो बहुत बड़ी बात है। जबरदस्त प्लेयर है नेपाल के और ये भी 2 सेंचुरीज के साथ है। उसके बाद बात करें टॉनी उरा, पपुआ न्यू गिनिया के टॉनी उरा, 1 ओडीआई 1 टी20आई में ये भी शतक जड़ चुके हैं। टी20आई ओडीआई में शतक जड़ना वाकई में कमाल की बात है, 2 सेंचुरीज इनके नाम। जी हाँ, तो ये वो प्लेयर्स थे जिनके कम से कम 2 या उससे ज्यादा की सेंचुरीज हैं एसोसिएट प्लेयर्स में। अब कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो जिनकी एक एक सेंचुरीज हैं, आइए जान लेते हैं वो भी प्लेयर्स कौन से। बिल्कुल, देखिए जॉर्ज मुनसे, जी हाँ जॉर्ज मुनसे 1 टी20आई सेंचुरी है इनकी, ओडीआई में नहीं है। उसके बाद मैक्सोडाउ नीदरलैंड के इकलौते एक्टिव प्लेयर है, कहना होगा नीदरलैंड के इकलौते एक्टिव प्लेयर है जिनका शतक है टी20आई में या ओडीआई में कहें, दोनों में से किसी में भी, ये बहुत बड़ी सैड की बात है कि स्टाइन नीदरलैंड के पास एक सेंचुरियन प्लेयर भी नहीं है, इकलौते हैं। उसके बाद नेपाल से ज्ञानेंद्र मल्ला कप्तान, जी हाँ 1 टी20आई सेंचुरी है, ओडीआई में नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं वो, होप करेंगे जल्द से जल्द आए। असद वाला 1 सेंचुरी टी20आई में इन्होंने भी मारी है, जी हाँ इनकी भी 1 सेंचुरी है। जिशान मकसूर 1 ओडीआई सेंचुरी है इनकी भी, बिल्कुल। और इसके बाद रोहन मुस्तफा, ओडीआई में इन्होंने 1 शतक मारा है, टी20आई में अभी भी खाली है। इसी के साथ मोहम्मद उस्मान ओमान से, जी हाँ इनकी माफ कीजिएगा यूएई से, मोहम्मद उस्मान माफी चाहूंगा यूएई से है, 1 ओडीआई शतक इनका भी है, टी20आई में अभी इनको वेट करना है, उनका इंतजार है शतक मारने का। चंदन गोपोल रिजवान ये भी है, जी हाँ यूएई से आते हैं और इनका भी 1 ओडीआई सेंचुरी है, एक्टिव प्लेयर है और टी20आई में इनका खाता भी खुला है। जी हाँ, तो ये वो प्लेयर्स हैं एसोसिएट प्लेयर्स में जिन्होंने सेंचुरीज मारी है अपनी तरफ से, अपने देश की तरफ से, सबसे हाईएस्ट से हमने शुरू किया और सबसे लास्ट तक हम आपके पास पहुंचे। इनमें से 2 आपके सबसे फेवरेट बैट्समैन कौन से हैं, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने मैचेस इन लोगों के सेंचुरीज के मैचेस देखे हैं तो आप बता सकते हैं कि 2 ऐसी जबरदस्त सेंचुरी इनिंग्स जो आपको लगी थी कि जबरदस्त थे कहीं ना कहीं, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर अपनी राय रखिए, वीडियो को एक लाइक करिए ताकि ऐसे ही रिकॉर्ड्स एनालिसिस हम आपके लिए लाते रहे एसोसिएट टीम्स के। तो इस वीडियो में इतना है, डेली क्रिकेट चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहे और बने रहे डेली क्रिकेट के साथ।